हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं डबल वी लुकअप के बारे में, और सेकंड सीखने वाले हैं इफ एरर के बारे में। तो सभी लोग ध्यान दें। देखो, हमने आपको वी लुकअप पढ़ाया था और आज हम लोग डबल वी लुकअप पढ़ने वाले हैं, और डबल वी लुकअप के साथ साथ इफ एरर पढ़ने वाले हैं। यह दोनों फार्मूले कहाँ पे और कैसे इस्तेमाल होते हैं, क्या इसके स्टेप हैं, वह हम लोग एक एक करके स्टेप बाई स्टेप जानने वाले हैं। तो ध्यान देना, ये जगह दे दो जी, उसपे तो जगह था ही है। सेकेंड वाले बैठो बेंच पे, और जगह दो उधर, उधर उतना जगह है पूरा। तो चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, वह कैसे इस्तेमाल होगा उसको हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए पहले हम चर्चा करते हैं डबल वी लुकअप पे। देखो, डबल वी लुकअप का कोई फार्मूला नहीं होता है, पहले इतना समझिए। डबल वी लुकअप का कोई फार्मूला नहीं होता है। डबल वी लुकअप क्यों बोलते हैं समझिए। जब एक ही सेल में, मतलब जो हमारा सेल है, जब हम एक ही सेल में कई सारे वी लुकअप लगा दे, मतलब अगर एक लगा तो उसे केवल बोलते हैं वी लुकअप, दो लगा तो उसे बोलते हैं डबल वी लुकअप, तीन लगाए तो उसे बोलते हैं ट्रिपल वी लुकअप। मगर नाम जैसे वी लुकअप बढ़ता जाएगा उस सेल में, नाम चेंज होता जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा इस्तेमाल लोग करते नहीं है क्योंकि रिक्वायरमेंट कभी आता ही नहीं। हाँ, डबल वी लुकअप का ज्यादा आता है। क्यों आता है, क्या रीजन है, मतलब वी लुकअप सबसे पहले सबसे ज्यादा, सेकेंड नंबर पे कभी कभी डबल वी लुकअप। अब समझिए, जैसे देखो आपके सामने हमने दो टेबल बनाया, यह है फर्स्ट टेबल, बगल वाला है सेकेंड टेबल। तो देखो, फर्स्ट टेबल में हमने क्या रखा है, पर्सन आईडी, उसके बाद से पर्सन नेम, उसके बाद से पर्सन का एज, उसके बाद से सेकेंड टेबल में पर्सन नेम, उस पर्सन का एड्रेस और उसका सैलरी। अब कहो सर क्यों, आप चाहते तो एक पास भी बना लेते। हाँ बना लेते, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इनको समझाना है इसलिए हम अलग अलग किए। ये समझ जाओ, ये फर्स्ट टेबल है और ये सेकेंड टेबल है। अब आप लोग देखो, इसमें से एक हेडिंग कॉमन है, एक हेडिंग कॉमन है, क्या है, पर्सन नेम इसमें भी है और पर्सन नेम उसमें भी है। अब देखिए क्या है, मतलब बोला जाता है कि जब दो टेबल के डाटा को, जब दो टेबल के डाटा को अगर हम सोच रहे हैं कि एक सर्च बॉक्स बना लें और वहां दो टेबल के डाटा का रिजल्ट हम एक सर्च बॉक्स में फाइंड कर लें, तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं डबल वी लुकअप का। या यूं कह लो, फर्स्ट शीट पे हम कुछ बनाए हैं और सेकेंड शीट पे भी बनाए हैं, फर्स्ट वाला सेकेंड वाला शीट का डाटा हम एक कहीं रिजल्ट बॉक्स में, सर्च बॉक्स में, जैसे हम वो नंबर टाइप करें, वो नेम टाइप करें, तो पहले शीट का डाटा भी आ जाए और दूसरे शीट का डाटा भी आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में डबल वी लुकअप का यूज करते हैं। कैसे, समझने की कोशिश करना। शुरुआत में हमको डाटा ज्यादा मिला नहीं था, हमको मिला क्या था, पर्सन आईडी, पर्सन नेम और एज, समझना। शुरुआत में हमको डाटा ज्यादा नहीं मिला था, मिला था क्या, पर्सन आईडी, पर्सन नेम, पर्सन एज, हम रिकॉर्ड कर दिए। बाद में हमको और डाटा मिला गया, मिल गया, तो कोई कह रहा नहीं बाबू उसमें मत बनाइएगा, आप लोग अलग टेबल में बनाइएगा, अलग किसी शीट में बनाइएगा। तो हम अलग टेबल भी बना सकते हैं, अलग शीट भी बना सकते हैं। चलो हम अगर अलग टेबल बस बना दिए, तो वहां पे कॉमन क्या, पर्सन नेम, उस पर्सन नेम को हमने यहाँ पे लिखा है, उसके बाद हमने एड्रेस लिख दिया है और वहां पे सैलरी लिख दिया है। अब देखो प्लस पॉइंट क्या है, मैं सर्च करना चाहता हूँ कि जैसे मैं आईडी टाइप करूँ, सुनना, जैसे मैं आईडी टाइप करूँ तो इस टेबल से नेम भी आ जाए, इस टेबल से एज भी आ जाए, प्लस
किसी आईडी से उसका एड्रेस भी आ जाए और उसका सैलरी भी आ जाए। अब देखो आईडी के हिसाब से ना हमारा एड्रेस है, ना आईडी के हिसाब से ना हमारा सैलरी है, आईडी के हिसाब से बस पर्सनल नेम और एज है। हम कुछ ऐसा तरीका अपनाना चाहते हैं कि आईडी टाइप करूं, उसका नेम, उसका एज, उसका एड्रेस, उसका सैलरी आ जाए, तो नॉर्मल भी लुकअप से नहीं निकल पाओ। क्यों? क्योंकि इसमें पहले टेबल में आईडी है और दूसरे टेबल में आईडी नहीं है। तो आईडी जब मैच करेगा, इसी को जो मैच करा पाएगा और इसको मैच नहीं करा पाएगा, और इसीलिए आंसर नहीं आएगा। लेकिन वही हम डबल वैल्यू को लगा दे तो देखो क्या होगा। पहला भी लुकअप फर्स्ट वाले टेबल को फाइंड कर देगा और दूसरा भी लुकअप सेकेंड वाले टेबल को फाइंड कर देगा, और दोनों टेबल को फाइंड करके आराम से हम आईडी के हिसाब से रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सवाल यह हो कि सर अगर मान लीजिए पहले टेबल में सारे हेडिंग अलग हो और दूसरे टेबल में सारे हेडिंग अलग हो, तब वहां पे डबल वी लुकअप नहीं काम करेगा। मतलब डबल वी लुकअप का शर्त है या रूल है कि आप जब लगाओगे, चाहे पहले के सीट पे डाटा हो चाहे दूसरे सीट पे डाटा हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। बस इतना समझना कि दो टेबल बनाओगे उसमें से कोई ना कोई एक हेडिंग कॉमन होना चाहिए। अगर कोई कॉमन होगा तभी मैं पता कर पाऊंगा कि ये डाटा इसी से रिलेटेड है, ठीक है, मेरे दोनों में कोई ना कोई रिलेशन है। अगर दोनों अलग है तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, यह इसका शर्त है, यह इसका कंडीशन है। अगर दोनों में अलग अलग है तो वहां पे गलती से भी कभी डबल वी लुकअप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि रिजल्ट आई पे नहीं करेगा एक पार्टिकुलर किसी आईडी से। चलो पहले हम इस दोनों टेबल को बताता हूँ, फिर से यही डाटा हम दूसरे सीट पे लेके आएंगे और दूसरे सीट से भी डाटा को हम फाइंड करके दिखाएंगे। मतलब दूसरे सीट से भी हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है ये भी चेक करेंगे, और इस दो टेबल जो बने हैं उससे डाटा फाइंड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है ये भी चेक करेंगे। तो चलिए इसे करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। और अगला है इफ एरर, तो बताऊंगा अभी एक एक करके इस्तेमाल करके। कोई फोन ऑन चला रहा है क्या जी बगल में? कुछ गिरगिरा आ रहा है। ए इधर कोई नहीं चला रहा है जी, गाना होना या गेम वो नहीं कोई खेल रहा है जो ऑनलाइन पढ़ रहा है। इसी में से कोई है? नहीं, फिर से किसी का आन हो गया। ए उत्कर्ष बंद करो, जाओ रिमूव कर दे रहे तुमको, घर रहो, माइक्रोफोन बंद करो अपना। आ जाओ जितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं, अपना अपना माइक्रोफोन बंद करें। उत्कर्ष नहीं सुनाई दे रहा है, भानु, उपेंद्र कुमार कुशवाहा, भानु बंद करो माइक्रोफोन। पास गधा, पास में बैठे हो तभी लाइव पढ़ रहे हो। उपेंद्र कुमार कुशवाहा कौन है? नहीं दिख रहा है यहाँ पे। चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको पॉलिसी पता है कि जिसके हिसाब से डाटा आपको देखना है उसको कॉपी करिए और लाके पेस्ट करिए। अब है पर्सन नेम, पर्सन नेम निकालना हमको, हम करेंगे इक्वल जी लुकअप। पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कामा कर देंगे। उसके बाद से पूछ रहा है टेबल एरे, तो वो टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। कामा कर देंगे। उसके बाद से कॉलम इंडेक्स नंबर,
रिजल्ट क्या देखना है, दूसरे कॉलम का, इसलिए क्या कर देंगे, टू कर देंगे, कामा जीरो ब्रैकेट बंद इंटर। ये तो पहले निकाल लिए थे, आज भी निकाल ली। फिर से एज निकालना है, इक्वल जी लुकअप, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट आईडी कामा टेबल एरे सेलेक्ट टेबल कामा कॉलम इंडेक्स नंबर 3 कामा वैल्यू मैच कराने के लिए जीरो ब्रैकेट बंद और दबा देंगे इंटर 18। तो यह तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि यह निकला कैसे। अब देख लो, हम आईडी चेंज करेंगे, यहां पे भी आएगा, फिर से चेंज करेंगे, काम कर रहा है यहां तक, किसी कोई दिक्कत। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एड्रेस निकालना है और सैलरी निकालना है, लेकिन इस टेबल में यह नहीं है, दूसरे में है, तो कैसे लगाएंगे। तो चलो इसको दिखाता हूं मैं, इक्वल लगाएंगे भी लुकअप, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट आईडी कॉमा टेबल एरे फर्स्ट टेबल कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देंगे, इस दोनों में कॉमन क्या है, पर्सन पर्सन नेम। तो ये कितने नंबर पे है, इसीलिए लिखेंगे 2 कॉमा 0 ब्रैकेट बंद भी लुकअप। क्या आ गया फिर से, रामू। अब देखो, पहले भी लुकअप से रामू खोज ली, अब इस रामू से हम खोजेंगे क्या, एड्रेस और सैलरी। अब क्या करना होगा, फिर से डबल क्लिक और इसी के अंदर एक और भी लुकअप। अब फिर से पूछेगा लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू जो रिजल्ट है पहले भी लुकअप का आएगा वही लुकअप वैल्यू होगा। तो पहला रिजल्ट क्या आया है, रामू आया है, उसी लिए हम लास्ट में जाके क्या कर देंगे, कामा टेबल एरे, तो आप सेकेंड वाला टेबल सेलेक्ट करेंगे, कर देंगे कामा कॉलम इंडेक्स नंबर तो पहला 1 2, दूसरे पे एड्रेस है 2 करेंगे कामा वैल्यू मैच कराने के लिए 0 ब्रैकेट बंद। अब देखो, जैसे ये डबल भी लुकअप लगा ना और इंटर दबाया, तो देखो आ गया कसे है। अब जैसे मैं टाइप करूंगा 105, तो आ गया अमित, एज है 26, राम कोला। फिर से उन्हें टाइप किया 110 संदीप 36 रामपुर। बोलो हो जाएगा, हमारी बात है जी। चलिए तो आप लोग इसको आसानी तरीके से कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे अगर मान लो हमको सैलरी भी निकालना है तो ठीक क्या करो, सेम वही प्रोसेस, क्या लगाओगे, इक्वल बी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या सेलेक्ट करोगे, आईडी कॉमा टेबल एरे में क्या सेलेक्ट करोगे, फर्स्ट टेबल कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या लोगे, 2 कॉमा 0 ब्रैकेट बंद। फिर से क्या लगाओगे, अरे यार पहला भी लुकअप लगा रहे हैं, फिर से लगाएंगे क्या, भी लुकअप। पूछेगा लुकअप वैल्यू, लास्ट में करेंगे क्या, कामा अगला टेबल एरे सेकेंड वाला टेबल कामा, अब इसमें से बताएंगे क्या, 3 कामा 0 ब्रैकेट बंद इंटर, सैलरी भी आ जाएगी। अब यहां पे आते हैं 105, 102,
104 काम कर रहा है, तो ऐसे आप आसानी तरीके से इसका यूज कर सकते हो। चलो अब कई लोग सवाल ये भी हो कि सर इस पे है तो आप बता दिए हो, अगर ये इस पे ना हो तो चलो हम यहां से क्लियर कर देते हैं। अब ये गलत आ जाएगा आंसर, क्यों? क्योंकि डाटा यहाँ से डिलीट हो गया। कोई बात नहीं, हम आ जाते हैं यहाँ पे, काट देते हैं इसको, और देखो दूसरे पे हम यही डाटा ला के छोड़ दिए। समाया? अब देखो ये पहले सीट पे है और दूसरा टेबल दूसरे सीट पे है, लेकिन देखो पहले सीट से हम दूसरे को भी एक्सेस कर लेंगे। क्या इक्वल भी लुकअप, लुकअप वैल्यू आईडी कामा टेबल एरे, फर्स्ट वाला टेबल कामा कॉलम डेस नंबर टू कामा जीरो ब्रैकेट बंद, इसे क्या लगाएंगे? वी लुकअप, लुकअप वैल्यू कामा लास्ट में टेबल एरे सेकेंड नंबर टू पे आ जाएंगे, सीट वाले पे सेलेक्ट कर लेंगे कामा। क्या रिजल्ट देखना है? एड्रेस टू कामा जीरो ब्रैकेट बंद, वन जीरो वन काम कर रहा है। दूसरे क्या है जी, लाला छपरा हंसी आ गई। अरे यार ऐसे ही सर नाम करना, कैसे नाम से पता चल रहा है? देखो इफ एरर मतलब यदि जो डाटा हम खोज रहे हैं अगर वो आईडी है तो उससे संबंधित डाटा बताएगा, अगर वो आईडी ना हो तो क्या एरर दे। जैसे मान लो कहीं चले गए, तो कई बार ऐसा होता है कि वहां पे वो पर्सन रहता नहीं है फिर भी उसको ढूंढने लोग चले जाते हैं, तो नाम बताते हैं या उसका आईडी बताते हैं तो सर्च किया जाता है, नहीं सर यहाँ पे यह डाटा उपलब्ध नहीं है। ऐसा सुने हो ना आप लोग? मान लो हमारे यहाँ आए और आपने रजिस्ट्रेशन नंबर गलती बोल दिया, तो मैं रजिस्ट्रेशन में जैसे सर्च करूंगा तो रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी दूसरे किसी को मिल जाएगा अगर होगा तो। मतलब यह है कि जितना हमारा डाटा बना है उसमें से आईडी टाइप करेगा तो बताएगा ही बताएगा, लेकिन अगर गलती से आईडी कुछ ऐसा टाइप कर रहा है जो अभी तक हमारे यहाँ जनरेट ही नहीं हुआ है, या इस आईडी का कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, इस आईडी का कोई पर्सन ही नहीं है, तो एरर दे। तो एरर देता है कि नहीं देता है? देता है, लेकिन एरर कैसे देता है? वो अपने हिसाब से देता है। अपने हिसाब का मतलब क्या है? जाता है, एन आता है, स्लैश आता है, ए आता है, इसे मतलब होता है नॉट अप्लीकेबल, मतलब डाटा अप्लीकेबल नहीं। लेकिन कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि है जैसे आ रहा है क्यों, क्या मतलब है, तो हम सोच रहे नहीं जब भी वो डाटा खोजा जाए और वो डाटा नो मिले तो हमारे हिसाब से मैसेज नो रिकॉर्ड फाउंड, नो डाटा रिकॉर्ड नहीं है, मतलब कुछ ऐसा मैसेज दे जिसे हम तुरंत आइडेंटिफाई कर ले कि एरर क्यों दे रहा। तो उसके लिए क्या करते हैं? इफ एरर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर आप कोई डाटा सर्च करते हो और सर्च करने में से रिजल्ट आता है और वो रिजल्ट अगर ना हो तो जो एरर अपने हिसाब से आता है वो एरर हम अपने हिसाब से देना चाहते हैं, उसके लिए क्या इस्तेमाल करोगे? कौन सा फॉर्मूला? इफ एरर। इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना होगा? तो जो आप फॉर्मूला लगाए हैं ना आप लोग, बस इसी पे डबल क्लिक करिए। चलो हम करके दिखाते हैं। पहले यहाँ पे मैं देखो आईडी लगभग 111 था और हम टाइप कर देते 115, क्या आएगा? देखो है जन है जन एरर आ गया, आया कि नहीं आया? लेकिन हम सोचे नहीं अब एरर मेरे हिसाब से आया तो हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी लुकअप के पहले हम लगा देंगे इफ एरर। अब करा वैल्यू तो लास्ट में जो ब्रेकेट है वही कामा कर देंगे, मतलब यही वैल्यू है हमारा, कंडीशन हमारा यही है। ठीक है, करा वैल्यू इफ एरर, अगर ये सही ना हो तो क्या करोगे? उन्होंने बोला नो रिकॉर्ड फाउंड।
है? अब बस ब्रेकेट कर देंगे बंद। अब देखो मैसेज है यहाँ पे, देखो जब टाइप करते 111 तो आ गया राजू, लेकिन वैसे हम टाइप कर दिए 120, आ रहा है ना, लेकिन अभी भी इस पे वही आ रहा है। क्यों? कि इसमें नहीं लगाया हूं, तो लगा देता हूं इस पे भी, एक बार लगाना पड़ेगा सब पे। वैल्यू लास्ट में काम हो, डबल और काम हो, नो डाटा जो दे दो, ब्रैकेट बंद। आया फिर से यहां पे आ गया, ये डबल वैल्यू को लगाया ना जी, इसमें भी सबसे पहले भीलू कब के ई फेरर लॉजिक, अरे यार ई फेरर वैल्यू सबसे लास्ट में कर देंगे काम, जितना भीलू कब लगाया हूं वैल्यू ई फेरर बता दिया। ठीक है बस इंटर दबा दिए। अब देखो ये तीनों एरर दे रहा है कि नहीं, मेरे हिसाब से दे रहा है, कोई एक ही दीजिएगा अच्छा रहेगा, हम बता दे रहे, देखो वो कुछ भी लिखोगे आ जाएगा, यहाँ पे लिख दो नहीं, अब आगे मत बढ़ो। या इससे ज्यादा मत खोजो, जो मिस से आएगा वो लिख दोगे आ जाएगा। यहाँ टाइप करेंगे 101, आ रहा है, टाइप कर दिया 115, नो रिकॉर्ड फाउंड, नो डाटा, नहीं डाटा नहीं है, डाटा नहीं खे, जो भी मर्जी वो लिख दोगे। ठीक है बोलो, हाँ हाँ बोलो, जैसे समझ में आ सके आप लोग, कोई दिक्कत? चलिए